मैकेनिक्स का पहला चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना होगा कि किसी बॉडी का मोशन होता क्या है। मोशन को जानने के साथ में हमें यह भी जानना होगा कि रेस्ट क्या होता है, है ना। तो दो वर्ड है, रेस्ट एंड मोशन, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है, है ना। हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो हमें रेस्ट पर दिख रहा हो वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वही ऑब्जेक्ट मोशन में दिख रहा हो। जैसे हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर जितने भी माउंटेन्स हैं वो हमें स्टेशनरी दिखते हैं, है ना, वो स्टेशनरी दिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी व्हीकल पे, किसी कार में बैठ करके चल रहे हों तो वही माउंटेन मूव करते हुए दिखते हैं, मोशन में दिखते हैं, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब हुआ कि रेस्ट एंड मोशन जो है ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज रेस्ट एंड मोशन आर ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट लाइक माउंटेन्स अपीयर स्टेशनरी, स्टेशनरी और एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड व्हाइल माउंटेन्स माउंटेन्स अपीयर इन मोशन व्हेन सीन फ्रॉम अ मूविंग कार। ठीक है, तो ये तो हो गया कि रेस्ट और मोशन जो है ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। इन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ को स्टेशनरी मानते हैं, ठीक है, जबकि अर्थ वाकई में स्टेशनरी नहीं है। किसी दूसरे प्लेनेट से देखा जाए तो अर्थ खुद भी मूव कर रहा है ना। हमें जो लगता है ग्राउंड पर बैठा ऑब्जर्वर को जो माउंटेन स्टेशनरी दिखता है, लेकिन वही अगर दूसरे प्लेनेट से उसी माउंटेन को देखा जाए तो माउंटेन मूव कर रहा होगा, क्योंकि अर्थ खुद भी मूव कर रहा है ना। इवन ऑब्जर्वर जो होते हैं वो भी स्टेशनरी नहीं होते, ऑब्जर्वर भी हो सकता है कि चल रहा हो। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, सो वी कैन से दैट एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल, है ना। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब हुआ कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जो किसी भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पर दिखे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम लोग पार्टिकल का मोशन देखेंगे और उसके लिए एक फिगर बनाते हैं, है ना। ऐसा मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है
वो पॉइंट ए से चल करके जो है पॉइंट बी पर पहुंच गया। ठीक है, उसने जो पाथ फॉलो किया वो पाथ कुछ ऐसा था। इस पाथ को फॉलो करता हुआ पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच गया। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ का लेंथ को कहा जाता है, है ना। तो अगर यूं कहें, हम लोग इसका डेफिनेशन बताएं डिस्टेंस का, तो ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो है इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, ए से बी तक जाने में जो पाथ का लेंथ होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है ये होता है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द जर्नी। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है वो ए से चल करके बी तक गया, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग बताएंगे, क्या करेंगे, ए से सीधे बी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये हो गया। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है आपको, है ना, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता किया जा सकता है। जब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन जो होता है वो इस शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है ए से बी तक को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया है, उसी के पैरेलल होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ऑफ जर्नी, है ना, ये हो गया फाइनल। तो यहां से तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ जर्नी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ जर्नी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इसको अगर फिर से एक बार समझें, तो हम लोग ऐसे कहेंगे, अगर कोई पार्टिकल यहाँ था पॉइंट ए पर, चाहे जिस पाथ से भी होकर गया हो, अगर पॉइंट बी पर गया है, तो ये जो लाइन है, लाइन ए बी के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होना चाहिए, और वो भी होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ। अगर इनिशियली यहाँ था ए पर और फाइनली बी पर गया, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो ए से बी की तरफ माना जाएगा, है ना,
इस तरह से। तो ये तो हो गया कि डायरेक्ट हम लोग अगर पाथ पता हो तो डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कई बार क्या होता है कि हमें इन दोनों पॉइंट्स का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है ना। जैसे अगर यूं कहें कि हमें एक फिगर बना दिया, एक्स और वाई एक्सिस है और इस पर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट हमें बताया गया है एक्स वन, वाई वन, जेड वन। उसी तरह से पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू, वाई टू, जेड टू, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, ए से बी को ज्वाइन करेंगे ऐसे, है ना। और जो अपना वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो ए बी वेक्टर के इक्वल होगा। इसको हम लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। अब इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही यहाँ पर दिए गए हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप और प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है, जैसा कि हमने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कोई वेक्टर दिया गया हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनडिपेंडेंट है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा भी हो, रोटेट कराएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा यही रहेगा। इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम चोजन। जो भी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया होगा उससे ये इनडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, है ना। ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास एक व्हील दिया गया है, ठीक। इस व्हील का जो रेडियस है वो हमें दिया गया है आर, और ये जो है परफेक्ट रोलिंग कर रहा है ना। इफ व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, देन फाइंड displacement of topmost point A। मान लेते हैं जो पॉइंट है इस व्हील के सरफेस पर, सबसे ऊपर एक पॉइंट है, उसको हमने नाम दे दिया है A, है ना। तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है इन द इंटरवल इट कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन। तो आधा रोटेशन जब ये कंप्लीट करेगा तो आधे रोटेशन में क्या होगा कि ये जो पॉइंट ए है वो चला गया होगा नीचे ग्राउंड पर, है ना। तो ये जो पॉइंट ए है वो पॉइंट आ गया होगा यहां पर नीचे, ठीक। तो इसका डिस्प्लेसमेंट चाहे जैसा भी
डिस्टेंस जो है या पाथ चाहे जैसा भी हो, हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, इनको ऐसा करेंगे कि इनको ज्वाइन कर देते हैं। इनिशियली ये यहाँ पर था और फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो अगर इसको ज्वाइन करें है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसमें से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आएगा पाई इंटू आर। पाई इंटू आर इसलिए आएगा कि आप देखेंगे कि चूंकि ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका आधा सरकमफेरेंस जो है, ये जो सरकमफेरेंस यहाँ दिख रहा है, ये पूरा सरकमफेरेंस यहाँ पर बारी बारी से कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, और स्लिप नहीं करेगा। तो जितना लेंथ इस आधे सरकमफेरेंस का है पाई आर, उतना ही लेंथ ये भी होगा पाई आर, ठीक। और इसका जो डायमीटर है, वो डायमीटर हमें पहले से पता है कि 2R होगा, है ना, ये है 2R, तो ये 2R है, ये पाई आर है, तो ये जो हाइपोटेनस कहेंगे इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है वो हो जाएगा 2R होल स्क्वायर प्लस पाई आर होल स्क्वायर का रूट, है ना। ये हो गया ए का नया पोजीशन और ये था ए का इनिशियल पोजीशन, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 2R होल स्क्वायर प्लस पाई आर होल स्क्वायर का रूट, यानी कि R अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, और डायरेक्शन तो आप यहां से देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसे हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमें दो बातें पता चली, एक तो ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ जर्नी, ठीक है। तो ये दो बातें डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे कुछ और नए क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, जैसे एक क्वांटिटी होता है जिसको कहा जाता है स्पीड, है ना। स्पीड क्या होता है, इट इज रेट एट विच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, इट इज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, ना। यहां पर रेट का मतलब है टाइम रेट से, ठीक है। तो जो स्पीड है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस, और दूसरा होता है एवरेज,
ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ कि किसी पॉइंट पर या किसी इंस्टेंट पर जो पार्टिकल का स्पीड होता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट और अ पॉइंट और एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो स्पीड होता है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है उसको हमेशा ds बाई dt से कैलकुलेट करते हैं, है ना। अच्छा, जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया ds बाई dt, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि जब किसी बड़े से इंटरवल में हम लोग स्पीड का एवरेज निकालते हैं उसको एवरेज स्पीड कहा जाता है, है ना। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, है ना। मतलब कि टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं, है ना। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है, व्हेन स्पीड इज, व्हेन स्पीड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग देन एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाई इंटीग्रेशन वी इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ऊपर वाला जो टर्म है आप देखेंगे कि स्पीड इंटू टाइम इंटरवल, ऊपर वाला जो टर्म है वो टोटल डिस्टेंस बताता है, है ना, स्पीड इंटू टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और जो नीचे वाला टर्म है ये बताता है टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये टोटल टाइम इंटरवल बताएगा, अगर मैं जीरो से टी तक इंटीग्रेट करूं जो भी टोटल टाइम होगा वहां तक इंटीग्रेट करूं, है ना, तो ये एवरेज स्पीड बताता है, ठीक। तो ये तो हो गया कि अगर कंटिन्यूअसली चेंजिंग कोई क्वांटिटी है तो उसका एवरेज हम लोग इस तरीके से निकालते हैं इंटीग्रेशन से, है ना। अगर कोई ऐसा क्वांटिटी हो, ये स्पीड की बात करें, तो जब ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब ये बेसिक फॉर्मूला जो है इस बेसिक फॉर्मूले को यूज किया जाता है। जैसे एक होता है उसको कहा जाता है टाइम एवरेज, टाइम एवरेज में क्या करते हैं कि पार्टिकल की जो टोटल जर्नी है उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सपोज ये है इनिशियल पॉइंट ए और ये है फाइनल पॉइंट बी, तो जो पार्टिकल है फर्स्ट टी वन टाइम तक वी वन स्पीड से ट्रेवल किया,
अगले T2 टाइम तक V2 स्पीड से ट्रेवल किया, फिर T3 टाइम तक V3 स्पीड से ट्रेवल किया। इस तरह से ये लास्ट में TN इंटरवल तक, टाइम इंटरवल तक VN स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक है, अब देखेंगे कि ये यहाँ जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रहा, इस T1 इंटरवल में कांस्टेंट था फिर चेंज हो गया, लेकिन T2 इंटरवल तक कांस्टेंट रहा फिर चेंज हो गया, लेकिन T3 इंटरवल तक फिर से कांस्टेंट रहा। तो ये कंटिन्यूसली चेंजिंग नहीं है, है ना। फिर इधर TN टाइम इंटरवल तक कांस्टेंट रहा VN। अब इस केस में एवरेज जो है वो इंटीग्रेशन से नहीं निकाल सकते, तो इसमें क्या करते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे यहां पर। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट T1 टाइम में यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, स्पीड है v और टाइम है t, तो s1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहां से यहां तक, स्पीड था v और टाइम था t1। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस बताएगा। फिर उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरा जो इंटरवल है यहां से यहां तक, इसमें कितना ट्रेवल किया होगा, स्पीड v2 इंटू टाइम इंटरवल t2, तो लिखेंगे v2 इंटू t2 प्लस नेक्स्ट इंटरवल में स्पीड था v3 और टाइम था t3, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा v3 इंटू t3। ठीक, उसी तरह से अगले इंटरवल में स्पीड होगा vn और टाइम है tn, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा vn इंटू tn। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आया लास्ट वाले सेगमेंट में, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं vn इंटू tn डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, निकालना हो तो सारे टाइम इंटरवल हम लोग ऐड कर देंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn, ऐसे निकाल सकते हैं एवरेज। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर ऐसा किया गया हो कि इफ ऑल द टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, है ना, अगर ये सारे टी के इक्वल हो तब क्या होगा, तब एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगा ऊपर वाले में से T1, T2, T3 अगर इक्वल हैं तो T कॉमन लिया जा सकता है, बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VN डिवाइडेड बाय सारे टाइम इंटरवल को जोड़ेंगे, क्योंकि ये T1, T2, T3 सब इक्वल हैं और टोटल N टाइम इंटरवल्स हैं, तो n इंटू टी लिख सकते हैं नीचे, है ना, इज इक्वल टू, इसमें से आप देखेंगे कि जो t है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये t और ये t कैंसिल हो गया, तो एवरेज स्पीड जो हुआ यह आया v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाय n, ये हो गया। अब ऐसा हो इफ n इज इक्वल टू 2, मतलब सिर्फ दो इक्वल टाइम इंटरवल दिए गए हो, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया एवरेज स्पीड, इसको टाइम एवरेज कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है टाइम एवरेज। ऐसा ही एक और एवरेज होता है जिसको कहा जाता है स्पेस एवरेज, है ना, इसको कहा जाता है स्पेस एवरेज, मतलब जो टोटल जर्नी है उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कहें कि एक पार्टिकल है
वो ए से चल करके पॉइंट बी तक गया, ठीक है। तो ये कहेंगे कि पहले L1 डिस्टेंस तक V1 स्पीड से ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट L2 डिस्टेंस V2 स्पीड से ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट L3 डिस्टेंस V3 स्पीड से ट्रेवल किया। इस तरह से ये ट्रेवल करता रहा और लास्ट का LN डिस्टेंस उसने VN स्पीड से ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसमें अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे, जो बेसिक डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, इस डेफिनेशन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो आप देखेंगे कि सारे सेगमेंट्स का लेंथ जोड़ देंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 इस तरह से LN तक ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस LN, ठीक है। ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसके बाद टाइम इंटरवल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, L1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया होगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल किया L1 और स्पीड था V1, तो टाइम हो जाएगा L1 बाई V1, क्योंकि T जो होता है वो होता है S बाई V, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया L1 और स्पीड है V1, तो लिखेंगे यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो हो गया L1 बाई V1, ठीक। उसी तरह से जो दूसरा सेगमेंट है L2, तो L2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया होगा, डिस्टेंस L2 बाय स्पीड V2, तो लिखेंगे L2 डिवाइडेड बाय V2। उसी तरह से नेक्स्ट सेगमेंट में L3 बाय V3 और लास्ट सेगमेंट में LN बाय VN, इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक। अगर ऐसा हो कि सारे सेगमेंट्स इक्वल लेंथ के हों, है ना, मतलब कि L1, L2, L3, LN सारे इक्वल लेंथ के हो, तब क्या होगा, इफ ऑल द सेगमेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ मीन्स L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू L4 इज इक्वल टू LN इज इक्वल टू L, ठीक। तो जो एवरेज स्पीड होगा उसमें देखेंगे कि ऊपर जो है n टर्म्स हैं, तो सारे L1 L2 L3 अगर इक्वल हैं तो ऊपर आएगा n इंटू L, नीचे L1 L2 L3 सब इक्वल हैं तो L कॉमन ले लेंगे, तो आएगा 1 बाई V1, 1 बाई V2, 1 बाई V3, 1 बाई VN, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से अगर देखेंगे कि L कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो इस L को कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा कुछ इस तरह से N डिवाइडेड बाई 1 बाई V1, 1 बाई V2, 1 बाई V3 प्लस 1 बाई VN, है ना। तो एवरेज स्पीड इस केस में ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई V1, 1 बाई V2, 1 बाई V3 प्लस 1 बाई VN, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है एवरेज स्पीड को जब पूरी जर्नी को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया हो। अगर ऐसा हो, इफ एन इज इक्वल टू 2, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 बाई 1 बाई V1, 1 बाई V2, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। ये हो गया एवरेज स्पीड।